इस वीडियो में हम जिस डिजीज का रिव्यू करेंगे उसका नाम है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। बेसिकली सादा से अल्फाजों में हम कहते हैं कि ये जो आपके पास ब्लड वेसल्स है, जो इसमें ब्लड है, उसमें अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल अपने नॉर्मल वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी वजह को हमने समझना है कि क्यों शुगर के मरीज जो हैं उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों इतना बड़ा रहता है। जब आपके पास पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन नॉर्मली रिलीज हो रही है, तो मसला कहाँ पे आता है कि फिर भी ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो देखें, नॉर्मल बात को समझिएगा। जो आपके पास मैदा है, आपने खाना खाया, आपके मैदे में गया, मैदे से आपके वो खून में एब्जॉर्ब हुआ। अब नॉर्मली क्या होना चाहिए कि आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल जो आपके पास ब्लड वेसल है, यहाँ से आपका जो ग्लूकोज है वो स्टोर हो जाएगा मसल्स के अंदर और लिवर के अंदर नॉर्मली। अब जब यहाँ से ग्लूकोज इधर स्टोर होता है ना, तो बीच में कुछ रिसेप्टर होते हैं, उन रिसेप्टर पे काम करता है इंसुलिन। तो क्या होगा, आपने खाना खाया, खाना आपके ग्लूकोज लेवल गया ब्लड में, पेनक्रियाज ने इंसुलिन निकाली, इंसुलिन ने खाने को बाइंड किया और ग्लूकोज को स्टोर करवा दिया मसल्स में। खुदा ना खास्ता अगर एक इंसान को रिसेप्टर में रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, रिसेप्टर बिल्कुल रेजिस्टेंट है, सेंसिटिविटी खत्म हो गई है, जिसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है, मैं समझाता हूँ आपको। मेन पॉइंट क्या है कि इंसुलिन बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन ग्लूकोज मसल के अंदर स्टोर नहीं हो पाता क्योंकि रिसेप्टर जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका है। ऐसे हम इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये वो डायबिटीज है जहां इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, आपको टेबलेट्स खानी पड़ती हैं। ग्लूकोफेजेस हैं, मेटफॉर्मिन है, ग्लिम्पेराइड है, ग्लाइबुराइड है, बहुत सारी मेडिसिन है, ग्लाइबिन क्लेमाइड हो गई, तो ये मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन, सिटाग्लिप्टिन ज्यादातर लोगों को दी जाती है। ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं कि वो फिर खुद से ग्लूकोज को बाइंड करके ब्लड से निकाल देती हैं। मेन पॉइंट क्या है कि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा, रिसेप्टर की रेजिस्टेंस होगी, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इसका नुकसान क्या है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज्ड होगा तो ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, यही ब्लड जब किडनी में जाएगा तो किडनी को डैमेज करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, यही ब्लड आंखों में जाएगा तो रेटिना डैमेज करेगा, डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसकी वजह से एक टाइम पे आता है लोग बिल्कुल अंधे हो जाते हैं, बिल्कुल उनकी देखने की सलाहियत खत्म हो जाती है बिकॉज ऑफ द डायबिटिक रेटिना। और इसके साथ साथ यही ब्लड जो आपके पास है न्यूरॉन्स को भी सप्लाई होता है, तो न्यूरॉन भी डैमेज होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, फिर आपकी हड्डियां भी टूट रही होती हैं, आपको पता नहीं होता, दर्द की जो सलाहियत है, दर्द आपको महसूस होना खत्म हो जाता है, जख्म भरना खत्म हो जाता है, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मुख्तलिफ तरह की कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज के हवाले से। तो हमारा टॉपिक था टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो डायबिटीज के लिहाज से या मेडिसिन के लिहाज से, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।